हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो यहां पर आपको बात करेंगे आज हम मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की वीडियो, जैसा कि आपको पता है, डेली आपको मॉर्निंग में 6 बजे आपके लिए वीडियो लाई जा रही है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, मॉर्निंग में 6 बजे आप कोशिश करें कि वीडियो को देख कर अभी सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तैयार करें। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, तो कोशिश करें आप रफ और पेन लेकर बैठें और हमारे साथ पूरी पूरी कोशिश करें क्वेश्चंस को पहले लगाने की। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को तुरंत आप रफ पेन पर लिखें और लगाने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है, और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 15 प्लस वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कीजिए और वीडियो देखिए। अगर आप दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। एक दो स्टूडेंट का कमेंट था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट आप करके ज़रूर बताइएगा। और उसके पहले भी मैंने ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कुछ वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चेकआउट कीजिए और वीडियो देखिए। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं कि क्वेश्चन को आज मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 में क्रय की, ठीक है, अर्थात खरीदा, और एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय की, अर्थात खरीदा। तो बताइए कि कमीज और पतलून का सूची मूल्य कितना होगा, अर्थात कितने रुपए की पतलून है और कितने की कमीज है, इसका सूची मूल्य आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसको दो टाइप से, मतलब आपको यहाँ पर इसको भी अलग करना होगा और इसको अलग निकालना होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको ये पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्त, जो एक कमीज है उस पर 12% व्यापार करने पर वो 896 रुपए में खरीदता है, और पतलून 10% व्यापार करके जो सम्मिलित उसमें है, कर सम्मिलित है, तो वो 1210 रुपए में खरीदता है। तो दोनों का बताना है, तो आइए सॉल्व की ओर चलते हैं। इसका सलूशन आप समझिए। देखिए, आपने अगर लगाया होगा तो दोस्तों समझ लीजिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि माना कमीज और पतलून आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स और वाई है, मतलब कमीज का जो मूल्य है वो सूची मूल्य आपका कितना है एक्स, और पतलून का वाई है। ओके, तो एक्स का आपको निकालना होगा 112%, अर्थात वही दोस्त आपसे कह रहा है कि जो आपका क्या है, एक कमीज है वो 12% व्यापार कर सम्मिलित करने पर 896 रुपए में मिलती है, और जो आपकी पतलून है वो 10% व्यापार कर सम्मिलित करने पर 1210 रुपए में मिलती है। तो सिंपली आपको यहां पर करना क्या है कि एक्स का 112%, जो कमीज है उसका 12%, मतलब 12 मतलब 100 प्लस 12 होता है, ओके, तो 112 होगा। तो आपको निकालना है एक्स का 112% इक्वल टू कितना दिया है 896। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 112 को 112/100, ओके, तो ये आपका 100 जो होगा आपका इधर आ गया और 112 आपका नीचे आ जाएगा, तो एक्स का जो मान आएगा उसी का आपका आंसर होगा। अर्थात दोस्त, आप 8 बार ले जाएंगे, अर्थात 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 होता है। तो सिंपली यहां पर आपका आ जाएगा कितना, 8 ऊपर आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ गया 800। इसी प्रकार आपको क्या करना है, y, ये पतलून का जो है मान वो 10% सम्मिलित कर से है, तो 10% का मतलब 10 प्लस 100 का मामला है, तो इसलिए आपका क्या होगा 110। तो इसीलिए y का आपको क्या निकालना होगा, 110% कितना आता है 1210। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे y का मतलब 110, y का जो 10% कर है उतने पर जो क्रय करते हैं वो 1210 रुपए में करते हैं। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 110/100, ठीक है, इस 100 को ऊपर चले जाएगा, 110 आपका नीचे हो जाएगा, तो सिंपली आपका y इक्वल टू आ जाएगा कितना दोस्त, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 ग्राम में कितने होते हैं 121, अर्थात ऊपर 11 बचेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100, ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1100, यहाँ पर ओनली ऊपर 11 बचेगा और इसे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपका 1100 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका आया दोस्त y का मान और x का मान। तो अब आपको दोनों को जब जोड़ लेंगे तो आपका सम्मिलित सूची मूल्य आ जाएगा, अर्थात
साथ ये आपका कितना x का मान 800 आया और प्लस आपका कितना है ये आपका 1100 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1900 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, कितना 1900। तो ये आपका देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1900 है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मतलब पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा कि कैसे आपको ये तैयारी जो है कैसे करनी है, क्योंकि ज़रूरी होता है दोस्त पढ़ाई के साथ आपको डायरेक्शन बेहद ज़रूरी होता है कि कैसे क्वेश्चन को कैसे कौन से क्वेश्चन को हम लगाएँ जिससे पेपर्स में हमको ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है। और कैसे आपको जैसे आपके कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी आगे कि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये सभी रिलेशंस जो हैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा इससे पहले मैंने ऑलरेडी इन सभी को जो एक ईयर बीत चुका है उससे पहले मैं इससे रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड करा है, सभी की हेल्प की थी। उसी प्रकार आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग में बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट्स आपको बताया जाएगा जिससे आपको कॉलेज आपका जब कॉलेज लेने की दिक्कत होती है तो वहाँ पर काउंसलिंग में कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उसको दूर करने के लिए आपको काउंसलिंग के लिए इस चैनल को जुड़े रहना है। तो देखिए दोस्त दूसरा क्वेश्चन हमने आपको लिया है कि विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी, कितने में 50 रुपए में खरीदी और 55 रुपए में बेच दी तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। वेरी सिंपल दोस्त, मतलब क्रय मूल्य कितना है 50 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 55 रुपए। पता होना चाहिए दोस्त क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जो बेचते हैं उसे आप कहते हैं विक्रय मूल्य। तो इन्होंने कितने रुपए में 50 रुपए में खरीदा और 55 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे तो आप देख रहे हैं 5 रुपए का यहाँ पर आपको फायदा दिख रहा है, लेकिन कितने परसेंट का लाभ हुआ ये चीज आपको निकालना है। तो आपको लाभ का एक फार्मूला पता होना चाहिए दोस्त कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना होता है, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100, अर्थात लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ के बराबर होता है। किसके बराबर, लाभ के। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या आएगा, लाभ। अर्थात दो सिंपल सी बात है, जितने में आपने बेचा था उससे आपने जितने में खरीदा है, ठीक है, उस चीज़ को बेचा जितने में उसमें घटा देंगे तो जो आपको प्रॉफिट जो मिलता है अमाउंट वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसी से आपका पता लगता है कि हमने कितना लाभ कमाया। तो आपको करना है परसेंटेज निकालना है, तो सदैव ध्यान रखिए जो प्रतिशत लाभ होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो ऊपर करते हैं लेकिन नीचे सदैव क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य नहीं होता है, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो आपका नीचे होता है वो क्रय मूल्य होता है इंटू 100, चूँकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ओके। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या किया, आपने बेचा कितने, विक्रय मूल्य 55 रुपए में तो हमने 55 लिखा, क्रय मूल्य कितने में खरीदा था 50 रुपए में, तो 55 माइनस 50 करेंगे इनटू 100 ये आपका है, और नीचे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने में खरीदा था आपने, आपने खरीदा था 50 रुपए में, तो सिंपली आपका यहां हो जाएगा 5 × 100/50। यहां पर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, कितना दोस्तों 10%। तो ये 10% जो आया ये आपका क्या है, ये प्रतिशत लाभ आया, तो प्रतिशत लाभ कितना आया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है दोस्त, प्लीज आप क्वेश्चन को लगाने की जरूर कोशिश करें, एक बार आप रफ्पे लेकर बैठे, एक बार क्वेश्चन को या वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को समझकर लगाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझ लीजिए पहले, कि उत्पादक ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में और विक्रेता बी सी को 800 रुपये लाभ लेकर और विक्रेता सी खरीदार को 1,300 रुपये लाभ देकर बेचता है। अब देखिए बात यह है दोस्त कि एक उत्पादक ए है, ओके, उत्पादक जो है वो ए एक वॉशिंग मशीन को, एक वॉशिंग मशीन है और उत्पादक कौन है ए, मतलब उसका नाम जो है वो ए है, वो आप कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, वो विक्रेता को जो बी को बेचता है वो कितने में बेचता है, वो 12,500 रुपये में बेचता है, और जो विक्रेता बी है उसको बेचा गया, तो विक्रेता बी जब उसने खरीदा कितने में 12,500 में, तो उसने क्या किया वो विक्रेता सी को 800 रुपये लाभ कमाकर बेच दिया। कौन दोस्त, विक्रेता बी सी को 800 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, और उसी सी जो सी था वो सी क्या किया, वो सी ने
खरीदार को 1300 रुपये लाभ लेकर बेच दिया। अर्थात दोस्त, ए से बी ने लिया और बी ने सी ने, बी से क्या लिया सी ने, और सी ने बेच दिया खरीदार को। तो खरीदार ने क्या किया, तो खरीदार से ये पूछ रहे हैं कि तो खरीदार मशीन खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, ये चीज़ आप बताइए। और वैट की जो दर है वो 8% आपको दी गई, अर्थात जो कर है वो आपका 8% दिया गया है। बात इतनी सी है कि आप बताइए कि जो मशीन जो खरीदार था लास्ट में उसने कितने रुपए में खरीदा, ये चीज आपको बताना है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्त कि आपको करना है सभी अमाउंट को जोड़ लेना है, अर्थात खरीदवार जो खरीदार है द्वारा मशीन खरीदने के लिए किया गया भुगतान जो होगा, पहले आप टोटल अमाउंट को जोड़ लीजिए। कितना था टोटल अमाउंट आप देख लीजिए, 12,500 प्लस 800 प्लस 1300, इसको आप जब ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा इसका कितना निकालेंगे, 8%। लेकिन ध्यान दीजिए 8% का मतलब क्या है, 100 प्लस 8 अर्थात 108%। तो यहां पर सिंपली आपको ये देख लीजिए, तो खरीदवार द्वारा जो आपका होगा तो 12,500 आपको जोड़ना है प्लस 800 प्लस 1300, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 14,600। कितना आएगा, इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 14,600 आएगा, और इसको आपको करना है इनटू 108/100। क्यों दोस्त, आपको कह रहा है कि उसकी कर क्या है, उसकी 8% है। तो 8% का मतलब होता है कि 100 प्लस 8 अपान कितना, 100, तो आपका कितना आता है 108 × 100। तो सिंपली यहाँ पर आपका कितना आएगा, 108/100, और यहाँ पर आपका इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसीलिए 1.08 हो गया है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,768 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आया है वो खरीदार जो है लास्ट में कितने रुपए का खरीदेगा, वो 15,768 रुपए उसको भुगतान करना पड़ेगा उस वॉशिंग मशीन के लिए। तो आपने देखा यहां पर वॉशिंग मशीन कितने की थी, 12,500 रुपए की, जो उत्पादक था वो बी को बेचा था, लेकिन इसको इनको कितने में बेचना होगा, इनको जो होगा वो इन्होंने खरीदा, खरीदार ने 15,768 रुपए में, कितना 15,768 रुपए में इनको खरीदना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर आप ध्यान समझिए, ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित है, ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य कर सहित है कितना, 40,221, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की दर जो है 9% है। ध्यान दीजिए एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित कितना है, अर्थात क्रय मतलब खरीदना होता है, विक्रय मतलब बेचना, तो एक टीवी का विक्रय कर सहित 40,221 रुपए है, तो उसका मूल्य होगा यदि कर की जो दर है 9% है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सिंपल सी दोस्त बात है कि अंकित मूल्य यहां पर होगा, तो अंकित मूल्य कितने में आपका जो बेचा था वो 40,221 में बेचा था, और इसका कितना आपको 9% कर, 9% कर है, तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्लस 9 और ऊपर हो जाता है 100, तो ये इसीलिए यहाँ पर आपका 100/109 होगा। इसको क्या करेंगे, आपको इससे कैंसिल करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36,900 रुपये। कितना आ जाएगा, 36,900 रुपये, जैसा कि स्क्रीन पर आप समझ लीजिए, 36,900 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात इतनी सी दोस्त कि विक्रय मूल्य आपको दे रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आपका 40,221 इंटू 100 अपान यहाँ पर कितना, कर की जो दर है वो 9% है, अर्थात आपका कितना हो जाएगा 109, और इसको डिवाइड करेंगे साल्व करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा 36,900 रुपए। तो ये आपका क्या है, ये अंकित मूल्य आया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 47.25 अर्थात 47.25 में बेची, बेची का मतलब दोस्त क्या हुआ, विक्रय मूल्य, और वस्तु के क्रय मूल्य, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझ लीजिए, विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया कि 47.25 उसका विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य आपको कह दिया कि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात जितना आपका
जितना प्रतिशत लाभ क्या हुआ कि जितना आपने क्रय मूल्य आपने प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य जितना है उतना ही उसके बराबर ही प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, आपके प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपका ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन ही करना आपको, हमको मान लेना है कि वो मानक क्रय मूल्य आपका कितना है, मानक क्रय मूल्य आपका एक्स है, कितना है एक्स है। सिंपली आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट को सीखना बेहद जरूरी है। तो देखिए दोस्त आपका क्या होगा, माना कि जो क्रय मूल्य उसका एक्स है, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, लाभ बराबर क्या होता है दोस्त, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या होता है लाभ इक्वल टू जो होता है आपका वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ओके, तो आप अगर आपसे बोले कि आप लिखिए विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ प्लस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो वही चीज यहां पर किया गया, लाभ का जो एक्स है वो क्या है, वो क्रय मूल्य हुआ प्लस एक्स का एक्स परसेंट का मतलब क्या हुआ, प्लस एक्स का एक्स परसेंट का मतलब दोस्त यहां हुआ प्रतिशत लाभ। ओके, तो यहां पर आपका एक्स हुआ और फिर एक्स मतलब क्रय मूल्य का ही क्या, क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो आपको सिंपली वो कह ही दिया, तो आपका एक्स हो गया और एक्स का एक्स परसेंट आपका प्रतिशत लाभ हुआ, और इनका दोनों जो योग है वो कितना आया है, वो योग जो एड सम आया है वो आया 47.25, अर्थात ये क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है, कितना है विक्रय मूल्य, जैसा कि आपको बताया कितने में बेचा था दोस्त 47.25, तो दोनों का जो ऐड आया वो कितना है विक्रय मूल्य 47.25, और कुछ भी नहीं करना, अब आपको एक्स की वैल्यू सॉल्व करना है, लेकिन ये द्विघात समीकरण आपका नहीं बन रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका एक्स अपान 100 करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 47, यहाँ पर आपका 4725 होगा, हाँ 4725 इक्वल में आया है, और x इक्वल टू इसमें श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाया, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है दोस्त, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ओके, ये फार्मूला होता है, तो x का मान आपको क्या करना है, यहाँ पर x इक्वल टू करना है, माइनस बी का मतलब ये हुआ जो x का फैक्टर होता है, ठीक है, तो माइनस बी मतलब माइनस 100 प्लस माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका होता है, तो यहाँ पर माइनस 4ac ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसीलिए प्लस हो जाएगा, 4ac मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4725 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 18900 अपान क्या होगा, अपान 2a होगा, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, तो सिंपली आपका 1/2 ही होगा। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू अब यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस 100 करना है, या प्लस माइनस होता है, और ये आपका 28900 अपान 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा, और इसको आप निकालेंगे रूट से तो ये प्लस माइनस 170 होगा, कितना, प्लस माइनस 170 अपान 2। अब बात आती है यहाँ दोस्तों जोड़ने की और घटाने की, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ एक बार जब आप यहाँ पर माइनस 100 प्लस 170 बाई 2 करेंगे, एक बार आपको प्लस को लेना है, एक बार माइनस को लेना है। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए आप जो माइनस का चिन्ह होगा उसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पॉजिटिव से मतलब है, तो आपका यहाँ पर 100 प्लस 170 करेंगे तो आपका 70 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 2, तो ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 35। ओके, ये आपका निगेटिव आएगा इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, ये आपका पॉजिटिव आएगा इसलिए इसका मतलब है, अर्थात कितना है 35 का आंसर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना है 35 आया, एक्स का मान जो है वो 35 है, अर्थात वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 35, पॉलिटिंग 2012 में पूछा गया था। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा होगा तो कमेंट में हमें आप जय हिंद जरूर लिखेगा, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से स्टूडेंट है जो अभी तक जुड़े हुए हैं इस समय तक, तो आप हमें कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको जरूरी है एक कमेंट प्यारा सा करके हमें आप बताइए, वैसे ऑलरेडी मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।